तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक यूएसबी हब। ओके, तो गाइस मैं यूएसबी हब के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यों नहीं। तो गाइस ये वहां पर यूज होता है जहां पर फीमेल यूएसबी सॉकेट कम हो। तो गाइस इसका इस्तेमाल करके हम वहां पर फीमेल यूएसबी सॉकेट की संख्या बढ़ा सकते हैं और हमारे मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। और गाइस ये इजीली मार्केट में 150 से 300 की रेंज में आसानी से मिल जाता है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो गाइस आज के वीडियो में हम इसे अंडर 50 रुपीस में घर पर बनाकर दिखाएंगे। ये हुई ना बात। और हाँ गाइस, यार मुझे पता है कि वीडियो लाने में मैंने थोड़ी देरी कर दी है। तो गाइस क्या हुआ था, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो फेल हो गया था। देन मैंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो गाइस मैं चाहता जुगाड़ की मदद से फेक वीडियो बना के मैं आपके सामने उसे अपलोड कर देता, पर नहीं गाइस, मैं फेक नॉलेज आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करूंगा, भले ही गाइस वीडियो लाने में मैं थोड़ी देर कर दूं। क्योंकि गाइस मुझे पता है कि आप कितनी मेहनत से हमारे वीडियोस को देखकर सीखते हो, बनाते हो। तो गाइस ये मेरा फर्ज बनता है कि आपके सामने मैं एकदम ट्रू इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। तो गाइस अब चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ, लेट्स मेक इट। तो सबसे पहले गाइस इसको बनाने के लिए मैंने एक पीवीसी पाइप को कट कर लिया है। देन कट करने के बाद चलते हैं अब किचन में। किचन में आ चुके हैं गाइस, सबसे पहले गैस को ऑन कर लेते हैं। फिर गाइस हमारा जो पाइप है उसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए सभी तरफ से मैं गर्म कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस ये गर्म होने के बाद कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आपको दो पीवीसी पाइप ले लेना है और उसको कुछ इस तरह से स्ट्रेच करना है। फिर ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह के शेप में आ जाएगा। तो गाइस ये थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है, अब हमारे लिए ये परफेक्ट है। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर पीवीसी शीट ले ली है और पीवीसी शीट के ऊपर इसको रखने के बाद मैंने इसकी इंटरनल मार्किंग ले ली है। तो दोनों तरफ शीट को लगाने के लिए आपको यहाँ पर दो मार्किंग ले लेना है। अब ये वाली मार्किंग को मैं कट कर लेता हूँ, तो इनमें से एक को रखते हैं अभी साइड में। तो नेक्स्ट मैंने ले लिया एक फीमेल यूएसबी पोर्ट। तो देख सकते हो गाइस ये कुछ इस तरह का आता है। तो मैंने इसे लोकल मार्केट में 5 रुपीज़ का परचेस किया था। तो मैं यहाँ पर 4 फीमेल यूएसबी पोर्ट ले रहा हूँ। फिर हमने जो सीट काटी थी उसके ऊपर मैं इसकी रख के मार्किंग ले लेता हूँ गाइस, आप देख सकते हो। तो फटाफट से मैं यहाँ पर 4 पोर्ट की मार्किंग ले लेता हूँ। तो देखेगा इस मार्किंग लेने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इसको कट करने के लिए मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन की जो टिप होती है उसको मैं निकाल लेता हूँ। फिर गाइस मैंने कॉपर के वायर को ठोक ठोक के कुछ इस तरह के नाइफ का शेप दिया है, तो उसको मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा हॉट नाइफ तैयार हो चुका है। तो इसकी मदद से फ्रेंड्स हमारी जो मार्किंग है उसे मैं कट कर लेता हूँ। तो फटाफट से मैं कट कर लेता हूँ गाइस, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो देखिएगा इस कट करने के बाद ये कुछ इस तरह का हमें दिखेगा। फिर हमारी यूएसबी पोर्ट्स उनको मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद उसके ऊपर सुपर ग्लू लगा लेता हूँ जिससे ये बाहर ना आए। तो अब इनके जो लेग होने मैं उन्हें एक तरफ बैंड कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं इन सभी के ऊपर सोल्डर वायर थोड़ा थोड़ा गिरा देता हूँ। फिर गाइस मैंने एक बारीक कॉपर का वायर लिया है और उसको मैं इन चारों की लेग पे पैरेलल कनेक्शन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो गाइस आप वीडियो में, आपको इस तरह से पैरेलल कनेक्शन कर लेना है। तो गाइस अब मैंने यहाँ पर रेड इंडिकेटर LED ली है, आप इसकी जगह कोई सी भी LED यूज़ कर सकते हो। और इसकी मैंने माइनस वाली लेग को कट कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पर एक 1K का रजिस्टर लिया है और इसकी माइनस वाली लेग पर सोल्ड कर दिया है। फिर गाइस हम इसे यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ की मार्किंग लेने के बाद मैंने यहाँ पर होल कर लिया है, फिर इसे यहाँ पर लगा दिया है, फिर इसके ऊपर सुपर ग्लू लगा दिया है जिससे यहाँ पर एकदम बढ़िया से चिपक जाए। तो अब LED की माइनस वाली लेग और पोर्ट की माइनस वाली लेग को दोनों को आपस में सोल्ड कर लेता हूँ और प्लस वाली को भी आपस में सोल्ड कर ले। तो गाइस अब मैंने एक डाटा केबल ली है और इसके आगे की साइड जो होती है उसे आपको कट करना है। तो गाइस मेरे पास एक कट करी हुई डाटा केबल पहले से ही थी, तो इसकी कोटिंग को सबसे पहले मैं छील लेता हूँ। फिर इसके बाद गाइस आपको 4 वायर देखने को मिलेंगे। तो गाइस इन वायर्स के बारे में मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले जो रेड वाला वायर है वो प्लस है और जो ब्लैक वाला वायर है वो ग्राउंड है, और गाइस बाकी के जो बीच के दोनों वायर है ये डाटा प्लस माइनस है। तो अब गाइस मैं इसके अंदर एक तरफ से होल कर लेता हूँ। फिर हमारी USB के चारों तार इसके अंदर से आर पार कर लेता हूँ। फिर इन वायर्स को गाइस मैं पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस सर्किट डायग्राम में मैंने दे दिया है। तो अब गाइस सभी पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं।
तो ये लीजिए गाइस, हमारा यूएसबी हब बनकर तैयार हो चुका है। तो ये और भी हैंडसम दिखे तो मैंने इसके ऊपर सिल्वर कलर कर लिया है। तो चलिए गाइस, अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो गाइस यहाँ पे मैंने चार्जर लिया है और चार्जर के साथ इसे कनेक्ट कर दिया है। तो गाइस जैसे ही मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो हमारी रेड लाइट इंडिकेट होने लग गई है, तो इसका मतलब गाइस ये ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले गाइस मैं इसके अंदर तीन चार्जिंग केबल कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ। फिर गाइस मैंने तीन मोबाइल लिए और तीनों मोबाइल को इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो देख सकते हो गाइस जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ पर हमारे तीनों मोबाइल एक साथ चार्ज होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप देख ही सकते हो गाइस एक चार्जर से हमने यहाँ पर तीन मोबाइल चार्ज किए। तो गाइस चार्जर की कमी होने पर आप इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर सकते हो। गाइस ये तो इसका एक यूज हो गया, बाकी इसके कई सारे यूज है। तो गाइस मेरे पास एसेसरीज नहीं है इसको टेस्ट करने के लिए, पर गाइस ये मार्केट वाली जैसा ही वर्क करती है। और गाइस आपको इसके यूजेस देखना हो तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। गाइस यार आपको ये यूएसबी हब कैसा लगा मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। और गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय।